بسم الله الرحمن الرحيم. मेरा नाम फैसल है और मैं इस वक्त यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक डिवाइस डेवलप की है आर्मी के लिए, इसको हम कहते हैं हैंडहेल्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर। हैंडहेल्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जो कि आर्मी आर्टिलरी जो है गन्स होती हैं उसकी कंप्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। इसका बैकग्राउंड ये है बेसिकली कि हमें एक रिक्वायरमेंट आई कि एक डिवाइस चाहिए जिसको बेसिकली पाकिस्तान आर्मी यूज़ कर सके ऐसे काम के लिए जहां पे कंप्यूटेशंस जो हैं वो फास्ट हो सके। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी जो कंप्यूटेशंस करती थी इन सारी चीज़ों के लिए वो मैनुअल तरीका था या फिर कुछ कैलकुलेशंस इस्तेमाल होती थे कासियो के, तो उसको अपग्रेड करना था कि एक बेसिकली उसके अंदर कुछ डेटा बेसिस डालने थे, कुछ और चीज़ें डालनी थी कि वो हमें किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका की यूरोपियन कंपनीज को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से प्राइस कोट की और यू नो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दे केम टू अस और उन्होंने हमें बेसिकली एक टास्क दिया, एक चैलेंज दिया। बताता चलूँ आपको कि इस डिवाइस का जो डिज़ाइन से लेके कॉन्सेप्ट, बल्कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड फैब्रिकेशन तक ये सारी जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुई है और पाकिस्तान के अपने लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने इस डिवाइस को बनाया है। इसका हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी चीज़ें सब कुछ इंडिजिनस है और इसमें बेसिकली ये डिवाइस बनाने का जो मकसद था वो सेल्फ रिलायंस है कि हम किसी बाहर की फोर्सेस पर डिपेंड ना करें बल्कि अपने अंदर से रिसोर्सेज को जनरेट करें और अपनी टेक्नोलॉजी और उसको इन्हेंस करें ताकि हम इसको बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकें। अभी इस डिवाइस की जो मांग है पूरी दुनिया के अंदर है और हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। बताता चलूँ आपको कि ये पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट है और विजुसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप की है हम लोगों ने, और बेसिक इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम वो टेक्नोलॉजी हासिल कर लें और हम कम से कम डिपेंडेंसी रखें आउटसाइड वर्ल्ड। इस डिवाइस का जो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो इसका सॉफ्टवेयर है जो कि अगेन इंडिजिनसली हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किया है, और इस सॉफ्टवेयर की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी डिवाइस जितनी भी गन्स को सपोर्ट करती है उन गन्स के सॉफ्टवेयर आप उसमें लोड कर सकते हैं और अनलोड कर सकते हैं और जिसके मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है आप उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है अगेन बहुत मेहनत से लिखा गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि वॉर टाइम रियल टाइम इन्वायरमेंट के लिए बना है। आपको पता है कि कोई भी डिवाइस जो वॉर टाइम के लिए इस्तेमाल हो उसमें सॉफ्टवेयर बहुत ही क्रिटिकल होता है क्योंकि डिसीजन जो है वो सॉफ्टवेयर की बेस पे लेना होता है तो उसके अंदर गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। सो रियल टाइम सॉफ्टवेयर के लिए हम लोगों ने इसमें जो है वो आरटॉस इस्तेमाल किया है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और सी कोर सी के अंदर इसको हमने डेवलप किया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको फ्लैक्सीबल रखें और इसको जो है वो इस तरह रखें कि इसमें अपग्रेडेशन बहुत आसानी से, मॉड्यूल अप्रोच बेसिकली जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वो किया हमने। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की डिवाइसेस जो है दुनिया में बहुत आर्मीज़ के पास हैं लेकिन ये हमारी इंडिजिनस डिवाइस है और इसमें कस्टमाइजेशन की गुंजाइश है, यानी हमारी लोकल इन्वायरमेंट के लिए ये डिवाइस बनी है और इसको उसी तरीके से हम आगे लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अब फ्यूचर में हम इसको बाइलिंगुअल कर रहे हैं, यानी हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है, तो जो इसको इस्तेमाल करें तो हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो है उर्दू के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए और उसके अंदर जो है वो ऑप्शन भी हम नेक्स्ट फेज में इस पर डालने लगे हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा लोकलाइजेशन के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी वो हम इसके अंदर फ्यूचर में इंशाल्लाह बिल्डअप करेंगे और इसमें बनाएंगे ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर सकें अपनी बेनिफिट के लिए। चलिए अभी मैं आपको इस डिवाइस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इस डिवाइस को एक तो मैं बताता चलूँ कि ये हैंडहेल्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर जो है ये इंडिजिनसली पाकिस्तान में डेवलप हुआ है और इसके सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने
यहाँ पे इसको डेवलप करके इंटीग्रेट राइट फ्रॉम डिजाइन टू फैब्रिकेशन, ये सारे प्रोसेसेस इधर किए हैं। बेसिकली ये इसका ओएलईडी है जो कि वेरी हाई टेम्परेचर्स के ऊपर ये इस्तेमाल होता है और इसमें बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो डे नाइट के अंदर इवन के सनलाइट के अंदर भी ये बड़ी क्लियर विजिबिलिटी देता है। अगर आप इसको देखें तो इसकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर होगी इवन सनलाइट के अंदर। आपको पता है कि वॉर टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वेदर कंडीशंस होती हैं, सनलाइट भी है, रात का काम भी है, रात को जो है आपको यू नो कोई डिवाइस अगर यूज़ करनी पड़े तो उसको बैक लाइट करना पड़ता है कि बैक लाइट से उसको लिट होनी चाहिए। इस ओएलईडी की खासियत ये है कि ये हर दिन रात में और इसके अलावा हर कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा ये मिलिट्री स्पेक्स के साथ है तो ये हाई टेम्परेचर्स और लो टेम्परेचर्स को सस्टेन कर लेती है। इसके अलावा इसका ये कीपैड है, वेदर प्रूफ कीपैड, अगेन डिज़ाइन स्पेशली फॉर इसके ऑपरेशंस के लिए किया गया है, और इसके अंदर ये भी जो है हमारा अपना डिज़ाइन है। इसके अलावा ये इसका मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड भी कम्प्लीटली इधर ही बना है और इसमें हमारे इंजीनियर्स ने बड़ी दिन रात मेहनत करके इसको जो है वो बनाया है। इसके अलावा इसका ये कीपैड का ये सर्किट है जो कि बेसिकली अगेन यहीं पर डेवलप हुआ है। इसके अलावा इसकी केसिंग पे भी काफ़ी हमने मेहनत की है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मुख्तलिफ केसिंग्स मुख्तलिफ टाइम पे हम करते रहे हैं और फाइनली जो है वो ये केसिंग जो है वो सेलेक्ट हुई और इस पर हमने आगे चले। इस केसिंग के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि इसकी फिटिंग्स वगैरह और सारा कुछ, इसमें वेदर प्रूफिंग के तरीके और सारा कुछ हमने इसमें कोशिश की है कि हम इसको कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। ये इसका एक बैक कवर है जिसमें मुख्तलिफ जो है बैटरी पैक्स हैं।